ये वीडियो देखने के बाद आप एक छोटी सी चीज करना, आप YouTube पे जाके सर्च करना हाउ टू गेट 1000 फॉलोअर्स ऑन Instagram, और जितने भी वीडियोस आते हैं आप उन सारे को देखना, स्पेशली इंडिया के जो वीडियोस हैं आप उनको देखना, बाहर फॉरेन वाले वीडियोस मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, इंडियन क्रिएटर्स के जितने वीडियो हैं आप वो देखना। मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस, 90% ऑफ वीडियोस में आपको यही बताया जाएगा कि आप किसी एक ऐप के थ्रू या किसी पर्टिकुलर एक वेबसाइट के थ्रू आप ये ट्रिक्स करके फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि जेन्युइन लेजिट तरीका कौन सा है इंस्टाग्राम पे आपके फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स ग्रो करने का। तो फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स जो भी होता है एक बहुत ही एक स्पेशल माइलस्टोन होता है हर किसी के लिए, जो हर कोई अचीव करना चाहता है। और जब आपके 1000 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो फिर आपके अकाउंट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी एक स्टेडी प्रोसेस में होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि 1000 फॉलोअर्स ग्रो करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रोसेस इन दी एंटायर जर्नी ऑफ ग्रोइंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इस वीडियो में आपसे मैं वो सारे फ्री के मेथड और जितने पेड मेथड है जिनमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे उन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जब बात होती है फ्री मेथड की, जिसमें आपको कोई पैसे वगैरह खर्च नहीं करने, आपको इसमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो ये जो मेथड है ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कंपेयर टू अदर मेथड्स जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कि मैं आपको सारे वो मेथड्स बताऊं, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने ये चीज़ तो बहुत बार सुनी होगी दैट पोस्ट गुड कंटेंट, पोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट, पोस्ट कंसिस्टेंटली, यूज हैशटैग्स। अच्छा, हैशटैग से मुझे याद आया, हैशटैग्स के ऊपर एक मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, वो या तो आपके चैनल पे दिख जाएगी या फिर वो आने वाली होगी, या अगर आ चुकी है तो मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो। हैशटैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको मैंने बर्स्ट किया है। तो ये जो भी जेनरिक एडवाइसेज हैं, पोस्ट गुड कंटेंट, पोस्ट कंसिस्टेंटली वगैरह, इनको एक तरीके से ग्रोथ हैक के रूप में बताया जाता है बहुत बार, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये सारे ग्रोथ हैक्स नहीं है, ये एक गुड प्रैक्टिस है जो हर किसी को करना चाहिए, और थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी ऑन इंस्टाग्राम आपको ये चीज़ करते रहना चाहिए थ्रू आउट। ये एक गुड प्रैक्टिस है, ये कोई ग्रोथ हैक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछो कि मुझे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई टिप्स बताया जाए, और आपको अगर ये बताया जाए कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कोई भी क्वेश्चन आप ब्लैंक मत छोड़ो, तो ये कोई स्कोरिंग हैक्स नहीं है, ये एक गुड प्रैक्टिस है जो एक हर किसी स्टूडेंट को थ्रू आउट हिज स्टूडेंट लाइफ वो चीज़ करती रहने चाहिए। तो डिफरेंस होता है गुड प्रैक्टिस और ग्रोथ हैक्स स्ट्रैटेजीज वगैरह में। तो पहला जो मेथड है फ्री मेथड, उसका कोई ऐसा नाम तो नहीं है, बट मैं इसे कहता हूँ कमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको अपने नीच में, आप जिस भी नीच में हो, फॉर एग्जाम्पल फैशन, ट्रैवल, फूड वगैरह वगैरह, तो आप उसी नीच में आप पहले पता करो कि और कौन कौन से पेजेस हैं जो आपसे बड़े हैं वो इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स। बहुत ज़्यादा आप बड़े अकाउंट्स को उसमें मत लेना, क्योंकि फिर ये चीज़ मतलब उतनी काम नहीं करेगी। लेट्स से आपका बिल्कुल नया अकाउंट है विच इज़ ज़ीरो फॉलोअर्स, तो आप यू कैन लुक फॉर अकाउंट्स विच आर 5000, 3000 और मैक्सिमम 6000-7000, इससे ज़्यादा के बड़े अकाउंट्स आप मत देखना, नहीं तो फिर ये स्ट्रेटजी इतनी काम नहीं करेगी। तो आपको रेगुलरली इन सारे जितने भी पेजेस हैं इन पे आपको इंगेज करना है, और जब भी ये कोई पोस्ट डालें उस पे एक वैल्यूएबल कमेंट आपको देना है रिलेटेड टू दी पोस्ट ऑफ कोर्स। ज़्यादा आप इसमें जेनरिक कमेंट्स इसमें मत डालें, जैसे नाइस, गुड, ब्यूटीफुल वगैरह वगैरह, ये सब जेनरिक कमेंट्स होते हैं और ये उतने वैल्यूएबल नहीं होते, और कई दफ़ा तो सामने वाला इसको ऐसे भी देख के मतलब इग्नोर कर सकता है, जैसे कि उसे लगे किसी बॉट ने किया हो, जो कि होता भी बहुत ज़्यादा। तो यू हैव टू कम अप विद समथिंग वेरी ह्यूमन एंड समथिंग वेरी रिलेटेबल एंड समथिंग वेरी वैल्यूएबल रिलेटेड टू दी पोस्ट इट्सेल्फ, और ये चीज़ आपको रेगुलरली करनी है उन सारे अकाउंट्स पे और उन सारे पोस्ट पे। दिन में आप इसे 4-5-6 जितनी बार भी आप कर सको, जितना भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, उन सारे पेजेस पे हम उनसे उनकी अटेंशन के लिए चीज़ कर रहे हैं, ताकि वो हमारे कमेंट्स को पढ़ें और होपफुली वो हमें कभी ना कभी अपने स्टोरी पे फीचर करें। अब देखिए, इसमें कोई श्योर शॉट गारंटीड मतलब टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने टाइम के बाद यू विल गेट डिस्कवर्ड या फिर यू विल गेट अटेंशन, तो इसी वजह से मैंने बोला था ये उतना इफ़ेक्टिव वे नहीं है।
लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप पेड मेथड्स के लिए नहीं जाना चाहते हो तो एक मेरे हिसाब से एक यही स्ट्रेटजी है फ्री में जो आप कर सकते हो, और यू कैन जस्ट यू नो ट्राई एंड होप कि कभी ना कभी कोई आपको अपने स्टोरी वगैरह में फीचर कर दे जिससे आपको थोड़े फॉलोअर्स गेन हो जाएं। मैं अपनी बात भी करूँ तो बहुत सारे लोग मुझे अपने क्रिएशंस, अपने वर्क वगैरह मुझे DM करते हैं और मुझे जो जो अच्छी लगती है मैं अपनी स्टोरी पे शेयर कर देता हूँ उसे, जस्ट टू मोटिवेट दी अदर पर्सन ताकि उनको थोड़ी सी एक बूस्ट मिले मोटिवेशनल। लेकिन ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ या कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अपने प्रोफाइल पे सिर्फ दूसरे किसी चीज़ को प्रमोट अगर करने लगे तो उनके खुद के जो फॉलोअर्स हैं वो एक तरीके से अननॉय हो जाएंगे एंड दिस समथिंग विच नो वन वॉन्ट्स टू अफोर्ड। तो अब बढ़ते हैं पेड मेथड्स की तरफ और इसमें मेनली दो हैं। सबसे पहला जो है वो है अ पेड शाउट आउट। तो इसमें भी आपको शुरुआत वो पहले मेथड से ही करनी है। आपको पहले अपने नीच में फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से वो पेजेस हैं जो आपसे नंबर ऑफ फॉलोअर्स में बड़े हैं और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर मेथड में आप बड़े से बड़े अकाउंट को चुन सकते हो, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप लेट्स सपोज आपकी नंबर ऑफ फॉलोअर्स 100 है या 200 है, सो यू कैन इवन रीच आउट टू पेजेस विच आर 100K 200K 300K, इसमें कोई लिमिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो हम जितने बड़े अकाउंट्स के साथ काम करें वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ऑफकोर्स आपको पैसे भी उतने ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं इनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू पेड शाउट आउट, पेड पोस्ट्स भी होता है। तो आपको इन सारे अकाउंट्स को रीच आउट करना है, चाहे वो DM के थ्रू हो या फिर उन्हें ईमेल करके, और आपको उनसे बात करनी है कि आपका अकाउंट है इस पर्टिकुलर नीच में और आप चाहते हो कि वो आपको फीचर करे अपने स्टोरी में या फिर एक डेडिकेटेड पोस्ट के ऊपर। तो फिर उसके बाद आपको उनसे कॉन्वर्सेशन करना है और फिर वो आपको बताएंगे कि क्या उनके रेट्स हैं पेड प्रमोशन के। जाहिर सी बात है जो पोस्ट की जो रीच होगी वो स्टोरी से ज़्यादा होती है इसलिए उसकी रेट भी ज़्यादा होगी। स्टोरी 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी रेट भी कम है और उसकी रीच भी पोस्ट से कम होती है। तो ये अब एक टोटली सब्जेक्टिव चीज़ है कि उनकी रेट क्या होगी, ये तो टोटली उस अकाउंट पे और उनके रीच पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंट एडमिन इट्सेल्फ। तो फिर आपको उनसे ये डील नेगोशिएट करके फाइनलाइज करनी होती है और उसके बाद फिर वो आपके अकाउंट को अपने स्टोरी या पोस्ट में वो फीचर करेंगे। तो यहाँ से आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है, बट अगेन दिस इज़ नॉट माय रिकमेंडेड या फिर पर्सनल फेवरेट मेथड ऑफ ग्रोइंग, लेकिन आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर दी थर्ड मेथड जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, और वो सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे सही मेरे हिसाब से तरीका है ग्रो करने का। तो ये जो तरीका है ये इसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करना होता है। तो बेसिकली हम अपने अकाउंट की मार्केटिंग खुद कर रहे हैं। ये सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेट्स सपोज कि आपका अकाउंट है और आपको खुद ही अकाउंट ग्रो करना है, आपको किसी दूसरे अकाउंट पे जाके कोई कमेंट नहीं करना, किसी के साथ डील नेगोशिएट नहीं करनी कि वो आपका प्रमोट कर दे, यू योरसेल्फ विल बी हेल्पिंग योरसेल्फ। और मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है कंपेयर टू आप किसी के पास जाओ उनसे रिक्वेस्ट करो या उनको पैसे दो कि आपका प्रमोशन कर दें, उससे बेहतर है कि आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने अकाउंट को प्रमोट कर सको। तो इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करेंगे फेसबुक एड्स के जरिए। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है, तो जितने भी ऐड आप इंस्टाग्राम पे देखते हो वो भी फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू ही रन होती है। तो सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे इस पे होनी चाहिए कुछ अच्छे अच्छे मेरे हिसाब से 15-20 पोस्ट ऑलरेडी, वो या तो इमेज हो या वीडियो हो डिपेंडिंग कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हो। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद जो ट्रैफिक हमारे अकाउंट पे आएगा, जो भी लोग हमारे अकाउंट पे आएंगे वो उन्हें कुछ वैल्यू मिले, उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगे, ताकि वो जाके वो फॉलो बटन दबाएँ जिस चीज़ के लिए ये पूरी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक ऐड स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होगी, किस इमेज को या फिर किस वीडियो को ऐड के रूप में इंस्टाग्राम पे रन करने वाले हो जिसको देख के लोग क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट पे आएंगे और फिर अगर उन्हें पसंद आया आपका कंटेंट तो आपको फॉलो करेंगे। तो चूंकि ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है और ये सबसे बेस्ट मेथड है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आपको करनी पड़ेंगी या फिर आप किसी और का हेल्प ले सकते हो जो आपसे इन सब चीज़ों में बेटर हो या फिर एक्सपर्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रिएटिव इमेज या फिर वीडियो चाहिए होगा, अगर आप ये खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद आपको ऐड की एक कॉपी भी लिखनी होती है,
एड कॉपी, मतलब एड के नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे एड कॉपी कहते हैं। बट अगेन, अगर आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्टोरी एड रन कर रहे हो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एड आप दो तरीके से रन कर सकते हो। एक तो इंस्टाग्राम का जो मेन फीड है वहाँ पे आपका एड दिखेगा, तो उसके नीचे आपको टेक्स्ट डालनी होती है जिसे बोलते हैं एड कॉपी। या दूसरा तरीका, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी एड रन कर सकते हो जिसमें आपको कोई कॉपी की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट आप ऑप्शनल है डाल सकते हो, बट जनरली लोग नहीं डालते। और मेरी सजेशन यही है कि अगर आप स्टोरी, स्पेसिफिकली स्टोरी का ऐड रन कर रहे हो, तो आप उसमें कोई कॉपी वगैरह मत डालना। आप अपने पूरे ऐड को, पूरा जो लेंथ है 1080x1920 पिक्सल, उतने रेजोल्यूशन का आप अपना क्रिएटिव रखना। तो इसमें जो भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके पास एक क्रिएटिव इमेज या वीडियो होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, और साथ ही साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फेसबुक एड्स रन करना आपको आना चाहिए। जी हाँ, वैसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ चीज़ नहीं है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि आप अपने ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि टारगेटिंग ही सबसे मेन चीज़ होती है जब भी आप फेसबुक में ऐड रन करते हो। अगर आपकी टारगेटिंग सही नहीं हुई या आप थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, तो फिर आपके सारे पैसे हो जाएंगे वेस्ट और आप जो रिज़ल्ट चाह रहे हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यस, आपको फेसबुक एड्स सीखनी पड़ेगी, या फिर अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो आप किसी और का हेल्प ले सकते हो, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का, या फिर आपके पास अगर बजट काफ़ी अच्छा है तो आप एजेंसीज़ वगैरह को भी कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपके लिए सारा का सारा काम बहुत ही आसानी से कर देंगे। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, राइट फ्रॉम दी क्रिएटिव, एड कॉपी, टारगेटिंग, वो सब कुछ कर देंगे और जो भी उनकी फ़ीस होगी आप उनको पे कर दोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर इन्वेस्ट कर सकते हो और आप में नए स्किल्स सीखने की अगर वो इच्छा होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक एड्स खुद से एक बार सीखो। और ट्रस्ट मी, ये बहुत मुश्किल सी चीज़ नहीं है। और दुनिया में जितने भी लोग फेसबुक एड्स चला रहे हैं, दुनिया की बात बोल रहा हूँ मैं, दुनिया में जितने भी लोग फेसबुक ऐड चला रहे हैं, मेजॉरिटी ने खुद ऑनलाइन से ही सीखा है, मेजॉरिटी ने यूट्यूब से ही सीखा है और फिर वो फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, इंक्लूडिंग मी। सो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो फेसबुक एड्स बिगिनर ट्यूटोरियल, और थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा इसमें और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, बट एक बार अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो फिर आप नॉट जस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो फेसबुक ऐड के ज़रिए। तो एक बहुत अच्छी एक आप स्किल भी सीख जाओगे। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि फेसबुक ऐड एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे गंवाने का भी। जी हाँ, अगर आपने इस चीज़ को ठीक से नहीं आपने रन किया और अगर आप एमेच्योर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा बजट के साथ इसमें आप ना आए, क्योंकि अगर आपकी टारगेटिंग वगैरह सही से नहीं हुई तो आपके सारे पैसे इसमें वेस्ट हो जाएंगे और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है तो आप छोटे अमाउंट से शुरू करो आप, और इसमें अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर तरीके के बजट से फेसबुक ऐड को रन कर सकते हो। तो यही सारी कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो द वन जो मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट्स यूज़ करते हैं इनिशियल लेवल पे अपने अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए। और इसके अलावा आपने जितने भी अभी तक सुने होंगे कि इस ऐप को डाउनलोड करो, उस वेबसाइट पे जाओ, फिर ऐसे करो वैसे करो, आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ऐप या फिर उस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए किया जाता है। आपको इसमें कोई भी जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं मिलते हैं। अगर गलती से आपको मिल भी गए तो वो सारे फेक फॉलोअर्स होते हैं या फिर वो बॉट होते हैं। बॉट एज इन वो प्रोग्राम्ड इनएक्टिव अकाउंट्स, जो आपके प्रोफाइल में बस एक नंबर ऐड हो जाएगा लेकिन वो उसके पीछे कोई ह्यूमन नहीं रहता, तो आप कभी अपने पोस्ट पे कोई इंगेजमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, एज इन लाइक, कमेंट, शेयर, सेव्स वगैरह। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, लाइक आई ऑलवेज से, स्टे क्रिएटिव एंड डू व्हाट यू लव।